और बच्चों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? ये है गॉसस लॉ की वीडियो नंबर 5, और इस वीडियो में भी हम गॉसस लॉ का एप्लीकेशन ही देखेंगे। पहला केस लिया जाएगा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का केस, और दूसरा केस लेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने गॉसस लॉ का एप्लीकेशन ही देखा था, और गॉसस लॉ को यूज करते हुए गॉसस लॉ की हेल्प से हम लोगों ने कूलम्स लॉ डिराइव किया था, और मैंने आपको यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बहुत सारे केस बताए थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो स्फीयर है वो सॉलिड हो सकता है, हॉलो हो सकता है, कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, और उन सभी केसेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ऑन द सरफेस और आउटसाइड कैलकुलेट की थी यूजिंग गॉसस लॉ। और न सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ भी प्लॉट किया था। पिछली वीडियो में जो भी डेराइवेशन हुआ था वो, और इस वीडियो में भी जो डेराइवेशन होने वाला है, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड के पेपर्स वगैरह देखेंगे तो ये हर 1 साल, 2 साल, 3 साल के गैप पे आते रहते हैं, आते रहते हैं, और कंपटीशन में भी इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए, हेडिंग डालिए, पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसकी वजह से? ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज यानी एक समान रूप से आवेशित इनफाइनाइट यानी अनंत लंबाई का वायर। तो यूनिफॉर्मली अगर चार्ज होगा तो कुछ ना कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। इसके बारे में पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स व्हाट? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी एकांक लंबाई में, यूनिट लेंथ में जितना भी चार्ज होता है उसे ही हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इस तरह के केसेस में, चाहे हमारा स्फीयर का केस हो, चाहे पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हो यूजिंग गॉसस लॉ, चाहे ये वाला केस हो, चाहे आगे भी जितने भी केसेस आएंगे, स्टेप नंबर 1 जो प्रोसीजरल स्टेप्स होता है वो कैसा होता है? सबसे पहले हमें फिगर बनाना होता है। तो पहले वायर को ही बनाते हैं। इस तरह से हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, सीधा बना है, ठीक है, चलेगा। ये इनफाइनाइट वायर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे कि नेगेटिवली चार्ज होगा तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी आएगी, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो अब सपोज इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, और यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉसस लॉ। अपने दिमाग पे जरा जोर डालिए और बताइए, क्या ये केस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं? इस केस को मैंने, जब मैंने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, वहां हम लोग इस केस को डिस्कस किए हैं। यही केस क्या, मैंने आपको फाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताई है, इनफाइनाइट वायर की वजह से, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वजह से डिफरेंट वायर कॉम्बिनेशन से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस हो चुका है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने जब इनफाइनाइट वायर वाला केस किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए ये फॉर्मूला होता था, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और यहां होता था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। वैसे ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला है, पैरेलल कंपोनेंट 0 हो जाता है, जो भी वैल्यू आती है वो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ही हमें मिलती है इस केस में, और अल्फा 90, बीटा भी 90, साइन 91, साइन 91, 1 प्लस 1 2, फाइनली वैल्यू आता था के 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। के की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, यही आता था इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इसी चीज को आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग व्हाट? यूजिंग गॉसस लॉ। और आपको गॉसस लॉ की ताकत भी दिखेगी कि वहां कितना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ा था, यहां गॉसस लॉ यूज जब हम करेंगे तो कितनी आसानी से, कितने कम स्टेप्स में ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, और उस गॉसियन सरफेस पे अलग अलग जगह एरिया वेक्टर भी बनाते हैं। अब फिर से सवाल यहां यही है कि पी पॉइंट से होकर गुजरता हुआ कैसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे? तो पिछली वीडियो में तो मैं नहीं लिखवा पाया था, इस वीडियो में आपको लिखवा दूंगा कि किस केस में हमें कैसा गॉसियन सरफेस लेना होता है। अभी आप याद रखो, अगर इस पर से इनफाइनाइट वायर है या इनफाइनाइट सिलेंडर है या फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, जो कि अगली वीडियो में हम देखेंगे, उन सभी केसेस में जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। औरतों का एक बहुत ही प्रमुख हथियार बेलन, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमें लेना होगा।
तो यहां भी एक पी पॉइंट से होकर गुजरता हुआ एक सिलेंडर बनाएंगे और कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ये जो वायर है वो उसकी एक्सिस पे हो, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर नहीं। तो बनाते हैं पी पॉइंट से होकर गुजरता हुआ एक ऐसे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। इस गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी मान ली जाए, इस गॉसियन सरफेस की लेंथ मान लेते हैं कितनी है, एल। गॉसियन सरफेस क्लोज्ड सरफेस होता है, तो हमें इस वाले सरफेस को और इस वाले सरफेस को क्लोज करना होगा। हाइपोथेटिकल सरफेस है, अब आप ये मत सोचना कि अगर इसको क्लोज करेंगे तो ये वायर कैसे उसमें से निकलेगा, ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। अब याद करो इसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसे बनेंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले वीडियोस में बताया था। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो ऐसे होती हैं, यहाँ पे ऐसे बनेगी, यहाँ ऐसे बनेगी, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, और 3D में होंगी। यानी कि अगर ये आपका इनफाइनाइट वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, समझ गए? तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर भी बनाना होगा इस तरह से, ऐसे ऐसे, और इसके अलग अलग सरफेस पे हमें एरिया वेक्टर भी बनाना होगा। तो ये वाला जो आपको प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, ये है यहाँ का एरिया वेक्टर। वैसे ही कुछ एरिया वेक्टर आप यहां भी बना लेना, मैं एक दो बना के छोड़ देता हूं, आप अपनी कॉपी में चाहे तो बना लेना कई सारे। एक दो यहां बना लेते हैं, एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, और इस वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी वाले कंसेप्ट के हिसाब से इस तरफ। तो ये हुई फिगर मेकिंग। फिगर आपको क्लियर हो रहा है? इस तरह से इनफाइनाइट वायर है और हम लोगों ने जो सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किया है वो सिलेंडर कुछ इस तरीके से है, ऐसे है हमारा सिलेंडर और ये है हमारे वायर की पोजीशन। कुछ समझ आ रहा है? जो वायर है वो इस सिलेंडर की एक्सिस पे है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है और ये है हमारा गॉसियन सरफेस। किस तरह का है सिलेंडर, कैसा सिलेंडर है? ऐसा सिलेंडर है कि ये वायर कहाँ पे है, उसकी एक्सिस पे। ये है स्टेप नंबर वन जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग करते हैं। स्टेप नंबर टू में मैंने आपको क्या बताया था कि सीधे आप गॉसस लॉ यूज किया करो। तो हम लिखेंगे फिगर विगर बनाने के बाद कि अकॉर्डिंग टू कार्ल फ्रेडरिक गॉस इस गॉसियन सरफेस से जो हमें नेट फ्लक्स मिलेगा, सारा इनकमिंग आउटगोइंग सब मिला जुला के, वो फ्लक्स होगा फाइ इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट नहीं है इसमें? इस वाले सरफेस से जो कि एक सर्कुलर प्लेन सरफेस है, मान लेते हैं फ्लक्स की वैल्यू फाइ वन है। ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है इससे फ्लक्स की वैल्यू मान लीजिए जाए फाइ टू, और ये वाला जो नीचे वाला वंस अगेन प्लेन सर्कुलर सरफेस है इससे फ्लक्स मान लिया जाए फाइ थ्री। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर से हमें फाई मिल रहा है और इंडिविजुअल सरफेसेस से अलग अलग पृष्ठों से जो फ्लक्स है वो फाई वन, फाई टू और फाई थ्री है, तो संपूर्ण फ्लक्स को, टोटल फ्लक्स को हम लिख सकते हैं फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री इज इक्वल्स टू। अब ये क्यू इनक्लोज्ड भी बहुत ही ध्यान से समझना होगा। क्यों इनक्लोज्ड का क्या मतलब होता है? गॉसियन सरफेस के भीतर का चार्ज, बाहर के चार्ज से हमसे लेना देना नहीं है। तो इस इनफाइनाइट वायर का ये जो इतना पूरा पोर्शन है ऊपर का और ये इतना नीचे का जो पूरा पोर्शन है उसमें जो भी चार्ज होगा वो इस गॉसियन सरफेस के बाहर का चार्ज है, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यहां से लेके यहां तक ये जो आपको प्लस प्लस दिखाई दे रहा है इसी चार्ज को कैलकुलेट करना है। यही चार्ज हमारा क्यू इनक्लोज्ड बनेगा जो इस गॉसियन सरफेस के भीतर है। तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ होगी सिलेंडर की लेंथ यानी एल के इक्वल। यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? लेमडा। तो सिंस यूनिट लेंथ पे लेमडा चार्ज है, हेंस एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा? एल इंटू लेमडा, यही बनेगा ये पूरा चार्ज और यही होगा हमारा क्यू इनक्लोज्ड। इसकी जगह लिखेंगे एल इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें आप जरा फाई वन की वैल्यू बताएंगे, फाई वन की वैल्यू क्या होगी? यहां पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, और वैसे ही फाई थ्री में भी आप देखिए इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परस्पर लंबवत है। क्यों भाई? ये हमारा ऊपर का सर्कुलर प्लेन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और एरिया वेक्टर में हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए ना हमें इससे फ्लक्स मिलेगा और ना हमें इससे फ्लक्स मिलेगा, नहीं फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो
फाइव वन भी जीरो हो गया और फाइव थ्री भी जीरो हो गया, बचा क्या फाइव टू इज इक्वल्स टू एल इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब ये जो फाइव टू है वो क्या है, वो है इस कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू एल इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने बताया था इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले इसके डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करते हैं, इसके डॉट प्रोडक्ट को जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एल इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हर जगह फिगर में आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री। कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू वन। क्या बचा, सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल टू एल इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर के स्टेप्स मिटा दें, आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके और फिर ऊपर वाले स्टेप्स को मिटा देते हैं। अब हमें ये सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हर जगह, मतलब इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या यूनिफॉर्म है, क्या कांस्टेंट है। अगर यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, तो ही हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाएंगे। तो सोचिए जरा, ये जो वायर है वो इनफाइनाइट वायर है ना, इनफाइनाइट वायर की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगी, क्योंकि इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो वायर है सेमी इनफाइनाइट ऊपर सेमी इनफाइनाइट नीचे, इस पॉइंट के भी रेस्पेक्ट में ये वायर सेमी इनफाइनाइट ऊपर सेमी इनफाइनाइट नीचे। तो सिंस यहां सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिक केस है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके सरफेस पे हर एक जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तो ही हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल पाएंगे। तो सिंस यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कॉन्स्टेंट या फिर यूनिफॉर्म इस पूरे गॉसियन सरफेस पे कर्व्ड वाले, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बाहर। बचा सरफेस इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू एल इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट नहीं है यहां तक, अब बस कुछ ही स्टेप्स और रह गए हैं, अब हमें बस इसको इवेल्युएट करना है। ये क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन डी ए मीन्स इस तरह से छोटा छोटा डी ए डी ए डी ए डी ए करके हमें टोटल इसका सरफेस एरिया लेना है। इसका टोटल सरफेस एरिया फिर से यहां पे समझते हैं, इसी तरीके से है हमारा गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल, इसका जो रेडियस है वो कितना होगा, इसका रेडियस होगा आर, और हमें इसका पूरा सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। इस तरह से हम लोगों ने जो छोटा छोटा डी ए डी ए डी ए लिया हुआ है, इसको पूरा जब हम इंटेग्रेट करेंगे तो ये पूरा हमें सरफेस एरिया मिलेगा। इस सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली इसको ऐसे ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। इस सिलेंडर को जब आप खोलोगे तो बन जाएगा ये एक रेक्टेंगल, आयत, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ है एल और विड्थ होगी, इसको जब आप खोलोगे तो किसी भी सर्कल को पूरा खोलने पे जो उसकी लेंथ है वो होती है 2 पाई आर, उसके सर्कमफ्रेंस के लेंथ के इक्वल। तो फाइनली यहां से जो हमें सरफेस इंटीग्रेशन डीए की वैल्यू मिलेगी वो होगी एल इंटू 2 पाई आर, इसमें कोई डाउट नहीं है, इज इक्वल्स टू एल इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां एल से एल कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल करते समय भी हमें सोचना चाहिए कि ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये कैंसिलेशन हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू आने वाली है वो एल पे डिपेंड नहीं करती और एल पे डिपेंड करनी भी नहीं चाहिए, इनफाइनाइट वायर है। मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इतना बड़ा गॉसियन सरफेस का, मतलब इतने एल लेंथ का एक बेलन बनाया, सिलेंडर बनाया है। कोई दूसरा स्टूडेंट बड़ा बेलन बना सकता है, कोई और कैलकुलेट करने के लिए छोटा सा बेलन बना सकता है, छोटा सा सिलेंडर बना सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर की लेंथ पे तो डिपेंड नहीं करेगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो भी आना है वो सभी के लिए सेम आना चाहिए, इसलिए एल की वैल्यू यहाँ पे कट जा रही है। तो यहां से आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी बचा है उसको उस साइड ढकेल देते हैं, ये आएगा 1/2πr लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ अलग लग रहा है नहीं, पहले जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा था उससे ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो इसको सही कर लेते हैं, डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। 1/ इसको लिखते हैं 4π और एप्सिलॉन नॉट साथ में, अगर आपने यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ आपको 2 करना होगा, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई है। कुछ लोग कहते हैं सर इस 2 से इस 4 को उड़ा नहीं सकते, अरे बिल्कुल उड़ा सकते हैं, बट मैं ये हमेशा स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप यहाँ कुछ भी है उससे इस कॉन्स्टेंट को डिस्टर्ब ना किया करो। एक तो पहले ये देखने में अच्छा नहीं लगता, दूसरी बात अगर आपको याद भी करना हो ना तो
तो ये कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप चेंज कर दोगे तो याद करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। सो इट्स बेटर कि आप इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को या आगे भी किसी भी फॉर्मूले में अगर कोई स्टैंडर्ड कांस्टेंट मिलता है तो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ये इस इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करी है, यूजिंग गॉसस लॉ। गॉसस लॉ के आप स्टेप्स देखो, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं है। इवन बायोलॉजी का भी बच्चा जिसको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं आता वो भी इसको समझ सकता है। हालांकि इसमें भी इंटीग्रेशन यूज हुआ है बस, बट ये इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है उस इंटीग्रेशन के कंपेरिजन में जिसमें हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह लगाया था। तो ये डेराइवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाने आना चाहिए, इस तरह से सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। फिर अगर एग्जाम में आ जाए किस तरह से आप इसको प्रूव करो, तो इतना फॉर्मूला निकालने के बाद नीचे आपको कुछ फुट नोट भी डालना चाहिए। तो वो देखते हैं इसके क्या और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। नोट नंबर वन, इस फॉर्मूले से क्या स्पष्ट है, फ्रॉम ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। दो चीजें एकदम क्लियर है। पहली चीज ये क्लियर है कि ई प्रोपोर्शनल टू होगा लैम्डा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी हमें आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। जैसे इसी वायर में अगर चार्ज यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो, एकदम भरा हुआ चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो, तो पी पॉइंट पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो भी क्या होगी, वो भी ज्यादा हो। और दूसरा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का रिलेशन देखें तो ई प्रोपोर्शनल टू है 1/r, यानी जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे इस वायर से, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। और दोनों में क्या रिलेशन होगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r का, यानी दूरी को अगर आप डबल कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगा, दूरी को आप चार गुना कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चौथाई हो जाएगा। ये है नोट नंबर वन, इसको अच्छे से आप लिख लेना। फिर नोट नंबर टू क्या हो सकता है, सोचो जरा, अगर ये वायर जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो क्या होता, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें इस डायरेक्शन में मिलती, और वैल्यू कितनी होती, वैल्यू इतनी होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ये है हमारा नोट नंबर टू। नोट नंबर थ्री में अगर हम इस रिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर का ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा होगा। नोट नंबर थ्री, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ तो कोई भी प्लॉट कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। सिंस यहाँ रिलेशन क्या रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसलिए जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आर की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और जब आर टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू जीरो हो जाएगी। तो ये इतने फुटनोट्स, और एग्जाम में अगर कभी इसका डेराइवेशन पूछा जाए तो आप ये डेराइव करने के बाद, अच्छा सा फिगर बनाने के बाद, अच्छा सा फोटो बनाने के बाद, ये सारे फुटनोट्स भी लिख देना। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं आपको, इसको मिटा दें, कोई डाउट नहीं है इसमें, वेरी गुड। तो अब इसी पे एक प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन आपको बताते हैं। अभी जो हम लोगों ने वायर लिया था वो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बनाया था, अगर आप बुरा ना मानो तो वायर को ऐसे बनाएं। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो वायर को बनाना पॉसिबल ही नहीं है, सही बात है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा डॉट लगा देते हैं। आप इमेजिन करना कि ऐसे यहाँ पे वायर है, इनफाइनाइट इधर भी और इनफाइनाइट भीतर की तरफ भी। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इस तरह से अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज वायर है और उसकी अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इससे आर डिस्टेंस पर अगर हम कोई पॉइंट लें तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को ले जाके इसकी ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर इसको वी वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके सर्कुलर मोशन के लिए इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, यानी इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा हमें वो निकालना है। तो फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहले हमें एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि उसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि इसका सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है, फिर अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, फिर उसके बाद टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर यहाँ पे इस तरह से वायर है पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रखा होता है उस पर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में
और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, यानी रेडियली इन्वॉल्व, केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ। जैसे ही आप इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकोगे, इस फोर्स की वजह से, फोर्स जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, उस फोर्स का जो इफेक्ट है एक्सेलरेशन पर, सॉरी वेलोसिटी पे, वो क्या होता है? फोर्स की वजह से वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट रेट से चेंज होती है, जिससे ये सर्कुलर मोशन करने लगता है। बहुत ही शॉर्ट में बताते हैं, मैकेनिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, फोर्स भी उसी की डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? इसकी स्पीड बढ़ती है, इसकी चाल बढ़ेगी, इसकी रफ्तार बढ़ेगी। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन भी फोर्स की ही डायरेक्शन में लगेगा। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के अपोजिट है, तो सबसे पहली बात, उसको रिटार्डेशन या फिर हिंदी में मंदन बोलते हैं। इससे क्या होगा? इसकी चाल लगातार घटेगी। लेकिन अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है फोर्स, तो ये क्या करता है? ना चाल को बढ़ाता है ना घटाता है, इससे सिर्फ इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। और अगर लगातार फोर्स इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता रहे, तो इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट रेट से चेंज होती रहेगी, और ये लगेगा ऐसे सर्कुलर मोशन करने। कुछ वैसा ही यहां भी हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो अभिकेंद्र बल चाहिए, वो आप देखो किससे मिलेगा? वो मिलेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की तरफ। यहां सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? एफई। तो डेफिनेटली ये जो एफई है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इसके सर्कुलर मोशन के लिए। सो वी कैन राइट, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाई दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ सी इज इक्वल टू एफ ई। एफ सी के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन है एम, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसी ओमेगा में अगर आप देखो तो 2 पाई बाई कैपिटल टी में हमें टाइम पीरियड छुपा हुआ है जो हमें कैलकुलेट करना है। एफ ई की वैल्यू, एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की जगह कितना लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ई, तो एफ ई की जगह क्यू, क्यू की जगह हुआ ई, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। फिर इस ई की भी वैल्यू हमें लिखनी होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई ई का फॉर्मूला 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। सोचो जरा, ये याद होना चाहिए ना। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालते हैं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ई लैम्डा डिवाइडेड बाई, इधर चला गया एम आर, जाएगा नीचे ये आएगा एम आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर रूट 2 ई लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर। इस ओमेगा को जब आप लिखोगे 2 पाई बाई टी, तो फिर यहां से आप टी की वैल्यू चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। टी की वैल्यू आएगी 2 पाई और स्क्वायर रूट, टी जाएगा उधर और ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। तो यहां हमें लिखना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ई लैम्डा। अब चाहो तो अपनी दिल की खुशी के लिए इस 4 का स्क्वायर रूट 2 और इस आर स्क्वायर का एक स्क्वायर रूट आर बाहर ले सकते हो, बट उससे कोई विशेष लाभ नहीं है। तो ये है इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको कभी किसी बुक में देखने को मिल जाए। तो क्लियर हो गया इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और यूनिफॉर्मली चार्ज और इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर का केस लेते हैं। स्फीयर की तरह इसमें भी बहुत सारे केसेस हैं, तो वन बाई वन देखेंगे, और इसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे केस मिला जुला के एक सिंगल केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। तो अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट सिलेंडर, यानी कि एक समान रूप से आवेशित
अनंत लंबाई के सिलेंडर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भी हम इनसाइड, ऑन द सरफेस और आउटसाइड तीनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहले जस्ट लाइक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इसके भी बहुत सारे केस हैं। तो सबसे पहले केसेस को समझ लेते हैं कि कितने तरह के इसमें केसेस हैं। और जैसा पिछले वाले केस में यानी स्फीयर के केस में हमें ये मिला था कि तीन केस एक जैसे थे, वैसे ही इसमें भी होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, तीन केस अल्टीमेटली एक ही केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मुख्य रूप से हमें दो केस पढ़ने हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा केस पॉसिबल है। जैसे ये एक सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऊपर भी ऐसे इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट। पहला केस क्या हो सकता है कि ये कंडक्टिंग हो और साथ ही साथ सॉलिड हो, ठोस चालकीय सिलेंडर। दूसरा केस क्या हो सकता है कि सिलेंडर हो, फिर से कंडक्टिंग हो, लेकिन हॉलो, खोखला, यानी कि हॉलो कंडक्टिंग, यानी कि खोखला और चालक। इसमें क्या है, इसमें है ठोस चालक। तीसरा केस क्या हो सकता है, फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, फिर से खोखला है, और अब की बार ये अचालक है, नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर या फिर नॉन मेटेलिक भी बोल सकते हैं। तीसरा केस है, लिख लेना ना, हॉलो और नॉन मेटेलिक या फिर नॉन कंडक्टर। चौथा केस क्या होगा, चौथा केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें हमें क्या लेना है केस, कि ये नॉन कंडक्टिंग हो यानी कि अचालक हो, कुचालक हो, और साथ ही साथ सॉलिड हो। अब इसमें ये जो तीनों केस हैं, इसमें क्या होगा, जैसे ही आप चार्ज दोगे, चार्ज सिर्फ कंडक्टर के सरफेस पे ही रहता है, भीतर चार्ज नहीं जा सकता। वैसे भी ये हॉलो है, ये भी हॉलो है, तो भीतर चार्ज जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन इसमें भी अगर ये सॉलिड है, फिर भी अगर आप इसको चार्ज दोगे तो चार्ज सिर्फ इसके ऐसे सरफेस पे ही रहेगा। ध्यान रहे, यहां कर्व्ड सरफेस है, उसके ऊपर भी चार्ज होगा। जैसे ये हमारा इस तरह से सिलेंडर है, इसमें चार्ज यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, सरफेस पे है। भीतर चार्ज नहीं होगा, सरफेस पे होगा। बट अगर यहाँ के चार्ज को आप प्रोजेक्ट करके बनाते हो यहाँ पे, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि भीतर भी चार्ज है, इसलिए सिर्फ किनारे किनारे ही बनाएंगे। वैसे ही इसमें आप चार्ज दोगे तो इसमें भी चार्ज सरफेस पे ही रहेगा। इसमें नॉन कंडक्टर है ये, ऐसा नहीं कि इसमें चार्ज देंगे तो ये यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसे हर जगह चार्ज किया जाएगा, जहां पे आप चार्ज दोगे चार्ज वहीं पे रहेगा, इसलिए इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया जाएगा। वैसे भी सोचो जरा, इनफाइनाइट लेंथ का ऐसा नॉन कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो आप मान लो कि हाइपोथेटिकली ये ऐसे ही यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसमें भी चार्ज कहाँ होगा, इसके सरफेस पे। तो देखने ही से लग रहा है कि ये तीनों केस क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये तीनों के तीनों केस कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम। इसमें जो भी डेराइवेशन होगा, जो भी फॉर्मूला आएगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनेगा, एग्जैक्टली सेम होगा। बट इसमें ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, इसमें जब आप चार्ज दोगे तो चार्ज इसमें भीतर भी दिया जा सकता है, और दिया गया है, और इसको भी यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, इसमें भीतर भी चार्ज होगा। इस तरीके से इसको बनाएंगे ऐसे, और इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, और इन तीनों में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है, इससे पहले वाला जो हम लोगों ने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला केस किया था, उसमें जो चार्ज था वो चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसलिए हम लोगों ने वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिफाइन की। चार्ज उसमें सिर्फ अलॉन्ग लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड था। उसमें भी मैंने शुरू में बताया था कि जरूरी नहीं कि आप चार्ज को सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ही हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे लैम्डा, अगर आप चार्ज को इस तरीके से फैलाते हो। यहां भी अगर आपसे पूछें कि ये किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है। वैसे ही अगर चार्ज को आप इस तरीके से फैलाते हो किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, और इसमें आपसे पूछा जाए कि ये किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये भी लीनियर चार्ज डेंस डिस्ट्रीब्यूशन ही है। इसमें भी हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही डिफाइन करेंगे।
इसकी लेंथ कितनी होगी? सपोज ये वाली लेंथ एल है, ये एल, ये एल, ये भी एल और ये भी एल, और सपोज टोटल चार्ज आपने क्यू फैलाया है, तो टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ यानी कि 4L, ये होगा हमारा लैम्डा। वैसे ही इसमें अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी टोटल लेंथ कितनी आएगी? 2πr, और टोटल अगर q चार्ज को आपने फैलाया है तो q डिवाइडेड बाई 2πr, ये बनेगा हमारा लैम्डा। लेकिन इसी में, इसी फिगर में अगर हम चार्ज को यहाँ भी फैलाते हैं तब ये किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा? तब ये बनेगा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमने चार्ज को एक पर्टिकुलर एरिया में फैलाया है। तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे? यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वो क्या होता है? क्यू डिवाइडेड बाई ए। इसका जो यूनिट है वो क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली अगर आप ए को वन कर दो तो सिग्मा इज इक्वल टू आएगा क्यू, यानी यूनिट एरिया में जितना भी चार्ज होगा उसी को हम बोलेंगे सिग्मा, यानी कि एरियल चार्ज डेंसिटी। इसमें सोचो जरा किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा सिलेंडर इस तरीके से है, इनफाइनाइटली लाइन लॉन्ग है, वो बात ठीक है, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, बट चार्ज सिर्फ इस सरफेस पे, ध्यान से समझना, कंसेप्ट समझो पहले, ये चार्ज सिर्फ इसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसको ऐसे खोल दिया जाए तो हमें एक एरिया ही तो मिलेगा, तो जो चार्ज है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे एरिया ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, फिर यह सिलेंडर के सरफेस पे सारा चार्ज फैला दिया जाए। तो इसमें भी अगर हमें कुछ डिफाइन करना होगा तो हम क्या डिफाइन करेंगे? एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा। बट इस वाले में सिंस चार्ज यहां भी है और भीतर भी इसके मटेरियल में हर जगह चार्ज है, इसलिए हमें यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी मिलेगी वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर चार्ज को पूरे वॉल्यूम में फैला देते हो, जैसे ये एक क्यूब है, अगर आपने चार्ज लिया और उसके पूरे वॉल्यूम में फैला दिया, जैसे कोई स्फीयर है, इसमें चार्ज लिया आपने पूरे वॉल्यूम में फैला दिया, तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर से वही यूनिट वॉल्यूम में जितना भी चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसको डिफाइन करते हैं रो से। दिस सिंबल इज रो। ये क्या होगा? क्यू डिवाइडेड बाई वी। इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर क्यूब। इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछ दे तो वॉल्यूम को अगर वी को वन करें तो मैथमेटिकली रो इज इक्वल टू हमें मिलेगा क्यू के इक्वल, यानी यूनिट वॉल्यूम में जितना भी चार्ज होगा उसी को हम बोलेंगे क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो। इसके फॉर्मूले में, इसके डेरिवेशन में रो का रोल होगा और इसके डेरिवेशन में रोल होगा किसका? सिग्मा का। तो ये केस क्लियर हो गया। तो ये तीन फिगर बना के इस तरह से आप लिख लेना कि इन तीनों का केस सेम है, और एक ये अलग से फिगर बना लेना। अब इन तीनों को इकट्ठे पढ़ेंगे। केस नंबर वन में अल्टीमेटली इंक्लूडेड है कितने केस? 3 केसेस। तो अब आप इन फिगर्स को बनाने के बाद अगली जो हेडिंग है वो क्या है? इसी हेडिंग के नीचे ये फिगर बना लेना और फिर उसके नीचे आप अगली हेडिंग डालो, केस नंबर वन। और केस नंबर वन क्या है? ड्यू टू यूनिफॉर्मली या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, यानी एक समान रूप से आवेशित ठोस चालकीय सिलेंडर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इसमें अपना सिलेंडर बना लेते हैं। ये है हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, ये है इसकी एक्सेस, और ऐसे ही यहां पे इनफाइनाइट, यहां पे ऐसे इनफाइनाइट बना लेना। सिंस ये सॉलिड है इसलिए इसके बीच में भी थोड़ा मटेरियल ऐसे लगा देते हैं ताकि लगे कि हाँ ये सॉलिड है। इसमें अभी मैंने बताया था किस तरह की चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन करेंगे, एरियल चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा। तो यहां पे भी आप चाहो तो ऐसे सिग्मा लिख लेना, मतलब जिस भी सिलेंडर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है या जो एरियल चार्ज डेंसिटी है वो कितना है? सिग्मा। अब हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉसस लॉ, इनसाइड यानी इस बेलन के, सिलेंडर के भीतर भी, सरफेस पे भी और बाहर भी। तो सबसे पहले इनसाइड वाला केस देखते हैं। सबसे पहले कौन सा केस देखा जाए? इनसाइड वाला।
इसका कुछ रेडियस भी लेना ही होगा, इसका रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर, मतलब जो सिलेंडर गिवन है हमें उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब सपोज इसकी एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, हमें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉसस लॉ। तो वायर के केस में और सिलेंडर के केस में जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है वो भी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। अभी इसी वीडियो में मैं लिखवा दूंगा, नहीं भी लिखवाएंगे तो भी सुनते 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 आपको याद हो जाएगा। क्लास टेंथ में हम लोग पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, नोट्स भी बनाते हैं, पर धीरे 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 वो याद हो जाता है। वैसे इसमें भी सारे केस देखने के बाद आप खुद ही अपने फ्रेंड्स वगैरह को पढ़ाने लगोगे कि यार इस केस में ऐसा गॉसियन सरफेस लेना होता है, इस केस में ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे, नहीं लेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए वैक्टर वाला जो स्टेप आता है वही आगे सॉल्व नहीं होगा, ये सब आप खुद ही एक्सप्लेन करने लगोगे। चलो इस केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब आप कहोगे सर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्यों निकाल रहे हो बार बार, हम सभी लोग जानते हैं कंडक्टर के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटर नहीं करती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्यों निकाल रहे हो। बिल्कुल सही बात है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की जो वैल्यू है वो तो जीरो ही होगी, पर फिर भी एग्जाम वगैरह में अगर आए तो आपको एक बार तो इस तरह से शो करना ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या किया जाए, इस पॉइंट से होकर गुजरता हुआ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। गॉसियन सरफेस चारों तरफ से बंद होना चाहिए, मैंने यहाँ डॉटेड बना लिया है क्योंकि इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, अभी दो ही लाइन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। फिर मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें हम कैसे बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो किसी भी कंडक्टर के भीतर जा ही नहीं सकती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बना ही नहीं सकते। फिर भी अगर हम गॉसियन लॉ लगाएं तो लिखेंगे टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगा सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड। आपको कितना दिखाई दे रहा है, जो भी प्लस 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 आपको दिख रहा होगा वो इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, इसलिए क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब ये चीज अगर जीरो आ रही है, इट मीन्स अगर हम इसको एक्सपेंड करें ई डी ए कॉस थेटा इज इक्वल्स टू जीरो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, या तो डी ए जीरो होगा, या तो थीटा हर जगह 90 डिग्री बनेगा। डी ए जीरो हो नहीं सकता क्योंकि आपने सरफेस लिया है तो एरिया वेक्टर तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपने सरफेस बनाया तो एरिया वेक्टर होगा ही, इसके जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। थीटा इज इक्वल्स टू अगर 90 है, इट मीन्स अगर ये आपका सिलेंडर है, बहुत ही ध्यान से समझना, ये है हमारा गॉसियन सरफेस, कैसा है, सिलेंड्रिकल। अगर थीटा की वैल्यू 90 है, इट मीन्स इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। अगर एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में 90 बन रहा है, इट मीन्स अगर एरिया वेक्टर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, एरिया वेक्टर यहाँ ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। तो हर जगह 90 बनने का पॉसिबिलिटी तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बनेंगी, तभी हर जगह एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बन पाएगा। बट हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, तो यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू 90 होने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इट मीन्स पक्का है क्या जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी जीरो। या आप सीधे सीधे भी एग्जाम में लिख सकते हो कि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, जीरो होती है, या आप सीधे क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू जीरो है, इसके बाद भी आप डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, जीरो। बट करेक्ट जो लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। इस सिलेंडर से अगर हमें बाहर यहां कहीं कोई पॉइंट दे दिया जाए, इसको मिटाई लेते हैं, नहीं अब इसका काम खत्म। अब सपोज यहां से इसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पे पॉइंट है पी, हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूजिंग गॉसियन लॉ। फिर से क्या करेंगे, पी पॉइंट से होकर गुजरता हुआ एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, इस तरीके से। एक सिलेंडर पहले से ही था और फिर हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस लिया, वो भी सिलेंड्रिकल, और दोनों कोएक्सियल होंगे, यानी दोनों की जो एक्सिस है वो सेम होगी। सोचो जरा, ये जो सिलेंडर है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो कैसी है, रियल है, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है, वैसा इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर पॉसिबल नहीं है। तो वो हाइपोथेटिकल है, जो गॉसियन सरफेस हम लोग ले रहे हैं वो भी हाइपोथेटिकल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं।
सब कुछ हाइपोथेसिस में ही चल रहा है, सब कुछ कल्पना में ही चल रहा है। तो आप कहोगे सर जब सब कुछ इमेजिनरी है तो हम लोगों के सिलेबस में क्यों है, हम लोग पढ़ते क्यों हैं? हाँ ये भी आपका सोचना सही है, सब कुछ हाइपोथेटिकल ही है, बट क्या है ना फिजिक्स में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें भी पढ़ते हैं जो अभी रियली में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि एग्जिस्ट करें। तो हमारे पास में उसका फॉर्मूला, उसकी जो फिजिक्स है, उसका जो साइंस है, वो पहले से ही अवेलेबल होना चाहिए। बहुत पहले भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो इंसान सोचता था कि इम्पॉसिबल है, कभी हो नहीं सकता, बट आज वो चीजें पॉसिबल हैं। तो वैसे ही मे भी ये भी कभी पॉसिबल हो जाए। तब तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैंने क्या बताया था, सबसे पहले फिगर ड्राइंग करते हैं। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कैसे होंगी, याद करिए किसी भी कंडक्टर से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहली बात कंडक्टर के भीतर नहीं जाती, दूसरी बात उसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से आप बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और कैसे होंगी 3D में, ये बात हमेशा ही याद रखनी है आपको। और इस गॉसियन सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। ये है महामंत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब हम एरिया वेक्टर बनाते हैं तो एरिया वेक्टर को बनाने का क्या याद रखना है, मंत्र परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। वैसे यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा, और यहाँ पे भी एक दो बना लेते हैं, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरह से, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, अब मान लेते हैं ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसमें ये वाले सरफेस से फ्लक्स है φ1, इस वाले सरफेस से फ्लक्स है φ2, और इस वाले सरफेस से जो फ्लक्स है वो कितना है φ3। तो स्टेप वन में मैंने क्या बताया था, ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग कर ली हम लोगों ने, गॉसियन सरफेस बना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ली, और एरिया वेक्टर भी बना लिया। इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ड्यू टू सिमेट्रिक केस यूनिफॉर्म होगी, उसको भी आप चाहे तो ऐसे ई लिख सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि दो वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, बट फिगर में बुक्स वगैरह में भी सभी लोग इस तरह से बना देते हैं, इसको वेक्टर ई लिखते हैं, तो इसको भी वेक्टर ई लिख देते हैं जो कि टेक्निकली गलत है, बट गॉसस लॉ में इतनी छूट ली जाती है इतना सारा, मतलब इतनी चीजें बनाने के लिए, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना कि वो वेक्टर ही है तो ये भी वेक्टर ही कैसे हो जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया फिगर। स्टेप टू में क्या करते हैं, सीधे गॉसस लॉ लगा देते हैं। तो लिखेंगे इस बड़े वाले जो गॉसियन सरफेस आपको दिख रहा है इससे जो टोटल फ्लक्स मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू कार्ल फ्रेडरिक गॉस कितना होगा, फाइ इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस फाइ को हम लिखेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड, भी समझना है आपको। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है, गॉसियन सरफेस के भीतर टोटल चार्ज। तो ये जो गॉसियन सरफेस आपको दिखाई दे रहा है इसके भीतर का ही हमें सिर्फ चार्ज लेना है। तो ये जो प्लस 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 ऊपर इनफाइनाइट तक, ये जो प्लस प्लस ऊपर इनफाइनाइट तक जो चार्ज होगा ये वाला, और ऐसे ही इस गॉसियन सरफेस के नीचे ये वाला जो चार्ज होगा, इससे हमसे मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के बाहर है, हमें सिर्फ ये जो आपको प्लस प्लस दिखाई दे रहा है और ये जो प्लस प्लस दिखाई दे रहा है इसी चार्ज को कैलकुलेट करना है, वही बनेगा हमारा क्यू इनक्लोज्ड। फिर हमने ये जो गॉसियन सरफेस लिया है यानी ये जो सिलेंडर लिया है इसकी अपनी एक लेंथ भी होगी, इस लेंथ को कितना मान लिया जाए, इस लेंथ को मान लेते हैं कि ये एल है। अब ध्यान से देखना हमारा यहाँ पे जो सिलेंडर है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसमें चार्ज तो पूरे सरफेस पे होगा, यही देखिए भीतर वाला सिलेंडर है जिसकी वजह से हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसमें चार्ज पूरे सरफेस पे है। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना हो तो इसको इस तरह से अगर खोल दें तो ये जितना भी एरिया होगा मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वो होगा हमारा क्यू इनक्लोज्ड। समझ पा रहे हो आप, नहीं समझ पा रहे हो, जैसे इसका जो एरिया होगा इसको कैलकुलेट करें, लेंथ कितनी होगी एल और इसकी जो चौड़ाई होगी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, अगर ये रेडियस आर है इसको खोलने पर, सॉरी इसका जो रेडियस कैपिटल आर है ये वाला आर लेना है, इसको खोल रहे हैं, इसको जब आप खोलोगे तो जो लेंथ है वो कितना होगा एल और जो विड्थ है वो कितना होगा, इसको जब आप खोलोगे तो ये हमें मिलेगा 2πr। इसका टोटल एरिया कितना बनेगा, इसका एरिया बनेगा एल इंटू 2πr। अब सिंस यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो है सिग्मा, इसलिए L इंटू 2πr एरिया में जो चार्ज होगा वो होगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एल इंटू, ये आएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एल इंटू 2πr, ये बनेगा हमारा क्यू इनक्लोज। फिर से समझ लीजिए क्यू इनक्लोज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यू इनक्लोज पहली बात तो दिखना चाहिए,
ये ऊपर वाला चार्ज और ये नीचे वाले चार्ज हमसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये वाला चार्ज टोटल कैलकुलेट करना है। फिगर के हिसाब से अगर हम सोचें तो ये है हमारा सिलेंडर, इस पे ये पूरा चार्ज फैला हुआ है, ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट तक था, बट ये ऊपर वाला चार्ज हम लोगों ने छोड़ा और ये नीचे वाला चार्ज भी हम लोगों ने छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो गॉसियन सरफेस के बाहर है। अब हमें इस वाले चार्ज को कैलकुलेट करना है। इसमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है एरियल, और इसका अगर हम एरिया देखें तो लेंथ होगी एल और जो विड्थ होगी ये चौड़ाई, वो ये इसकी रेडियस आर है। इसको जब आप पूरा खोलोगे तो इसका जो सरकमफ्रेंस का लेंथ मिलेगा वो होगा 2 पाई आर। इसका टोटल एरिया आएगा एल इंटू 2 पाई आर, ये पूरा एरिया हो गया। सिंस यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है, तो एल इंटू 2 पाई आर लेंथ में कितना चार्ज होगा, ये आएगा सिग्मा इंटू एल इंटू 2 पाई कैपिटल आर, ध्यान रहे कैपिटल आर होगा, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, अब मेन चीज तो आपने समझ ली। ये बताइए पिछले वाले केस की तरफ फाइव वन और फाइव थ्री की वैल्यू कितनी होगी? इसकी भी वैल्यू जीरो होगी और इसकी भी वैल्यू जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इस वाले सरफेस पे भी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इस वाले सरफेस के लिए भी एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये जीरो बचा, फाइव टू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको वैसा ही सरफेस इंटीग्रेशन लिखेंगे, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें हम लोगों का अगला स्टेप क्या होता है? अगले स्टेप में हम लोग इसके डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करते हैं। डॉट प्रोडक्ट को जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा ई डी ए। हर जगह आप देख लो नजर दौड़ा के, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर आपको सेम डायरेक्शन में दिखेंगे, इसलिए एंगल बनेगा 0 डिग्री इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एल इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगी, ई आ जाएगा बाहर, बचेगा सरफेस इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल्स टू सिग्मा एल 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें सरफेस इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू लिखनी है। डी ए हमने कहाँ पे लिया है? ये हम लोगों ने अपने गॉसियन सरफेस पे लिया है, ये जो बड़ा वाला आउटर आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है इस पे हमें ये डी ए डी ए डी ए डी ए करके टोटल ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें टोटल एरिया मिलेगा। फिर से अगर हम ऐसे सिलेंडर बना के सोचें तो इस तरह से सिलेंडर है, इसको जब आप खोलोगे तो लेंथ होगा एल और इसकी जो विड्थ होगी वो आएगी 2 पाई आर में, अब की बार जो आर लेंगे वो स्मॉल आर होगा क्योंकि हमें बड़े वाले सिलेंडर को खोलना है। तो इसकी जो रेडियस है स्मॉल आर, जब वो पूरा खुलेगा तो ये जो विड्थ बनेगी वो बनेगा 2 पाई स्मॉल आर। तो ये जो इंटीग्रेशन डीए है ये फाइनली कैलकुलेट होकर आएगा लेंथ एल इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू सिग्मा एल 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी देखो आप एल से एल हो जा रहा है कैंसिल, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए गए गॉसियन सिलेंडर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। भाई किसी स्टूडेंट ने कितना बड़ा सिलेंडर लिया है, किसी स्टूडेंट ने कितना बड़ा सिलेंडर लिया है, तो जो इस यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लिए गए गॉसियन सरफेस के या गॉसियन सिलेंडर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। इसलिए एल से एल की वैल्यू क्या हो जा रही है, कट जा रही है, 2 पाई से 2 पाई भी कैंसिल होगा। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो होगी सिग्मा कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इसमें कैपिटल आर कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर में जो रिलेशन बनेगा वो होगा ई प्रोपोर्शनल टू 1/r का। सरफेस पे अगर पूछा जाए ऑन दी सरफेस, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट पुट स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। और हाँ ध्यान रहे इस फॉर्मूले में स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू जब कैपिटल आर से अधिक होगी तो ही तो आप इस सिलेंडर से बाहर जा पाओगे और बाहर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो क्या करना है आपको, जस्ट पुट स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू जब आप कैपिटल आर इसमें पुट करोगे तो फाइनली आपको ई की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इसमें अगर ग्राफ बनाने के लिए कह दिया जाए तो ग्राफ बना लोगे? बहुत ही आसान है, पहले भी हम लोगों ने कई बार इसको बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा।
जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। तो हम लोगों ने तीन केस एक साथ कवर कर लिए, चाहे हमारा सिलेंडर कंडक्टिंग हो सॉलिड हो, चाहे कंडक्टिंग और हॉलो हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग और हॉलो हो, तीनों केस में ऐसा ही डेराइवेशन होगा, यही आंसर आएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनेगा, इसी तरीके का डेराइवेशन होगा। तो माइंड में रखना आपकी तीनों केस बेसिकली सेम ही है। अब बढ़ते हैं आगे और इसका आखिरी केस देखते हैं। केस नंबर टू। केस नंबर टू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, और इसमें तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें मिलेगी, जीरो नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना सिलेंडर बनाते हैं। सिंस हमें इनसाइड भी लेना है, इसलिए सिलेंडर को थोड़ा सा आप अपनी कॉपी में भी चौड़ा बनाना। तो इस सिलेंडर में हमें भीतर भी चार्ज भरना होगा, और ये कैसा है? नॉन कंडक्टिंग, इनफाइनाइट लेंथ का है चार्ज। इसमें आपको बीच में भी भरना होगा, तो पूरा बीच में इस तरह से आप प्लस 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 बना लेना। इसमें जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो। हमें इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ऑन द सरफेस भी चाहिए और आउटसाइड भी चाहिए। तो अब तो ये समझ आ गया होगा आपको कि सरफेस पे अलग से नहीं निकालते हम, इनसाइड वाले फॉर्मूले में या आउटसाइड वाले फॉर्मूले में, दोनों में से किसी में भी आप स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर जब आप रख दोगे तो आपको सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, कॉन्स्टेंट होगा। अब हमें सबसे पहले इसकी एक्सिस से जाना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉसस लॉ। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनाएंगे और एरिया वेक्टर भी बनाएंगे। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा। थोड़ा स्पीड में बना रहे हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे, एक ही चीज बार बार की जा रही है तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबकी बार एकदम यहाँ इसकी एक्सिस से इस तरह से बनेंगी और 3D में होंगी। ये बात आप हमेशा याद रखना, मतलब इस तरह से अगर हमारा सिलेंडर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम सेंटर से इसके एक्सिस से ऐसे भी निकलेंगी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, हर तरफ। और एरिया वेक्टर भी हम ऐसे 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 हर तरफ बनाएंगे। और ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, क्लियर? अब हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में फिगर बनाने के बाद अब हम इसमें सीधे सीधे गॉसस लॉ लगाते हैं कि इस गॉसियन सरफेस से जो हमें नेट फ्लक्स मिलेगा वो होगा गॉस जी के अनुसार फाइ इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब फिर से इससे फ्लक्स सपोज फाइ 1 है, इससे फ्लक्स फाइ 2 है, इससे फ्लक्स फाइ 3 है। फाइ एक स्केलर क्वांटिटी होती है, टोटल फ्लक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं फाइ 1 प्लस फाइ 2 प्लस फाइ 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज, बहुत ही ध्यान से समझना है। क्यू इनक्लोज का मतलब क्या हुआ? इस सिलेंडर के भीतर का चार्ज। तो इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है सिलेंडर का वो है रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, इट मीन्स वॉट? यूनिट लेंथ, सॉरी यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो कितना है? रो। यूनिट वॉल्यूम में अगर चार्ज रो है और हम इस वॉल्यूम को अगर किसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका जितना भी वॉल्यूम होगा उसमें चार्ज निकल आएगा। क्यों भाई? यूनिट वॉल्यूम में चार्ज अगर रो है तो अगर इस वॉल्यूम की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें, जो कि बहुत इजीली कैलकुलेट की जा सकती है, ये बताइए इसकी रेडियस कितनी है आर, और इसका एक लेंथ भी ले लिया जाए इस सिलेंडर का, जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस लिया है, गॉसियन सिलेंडर लिया है, उसका लेंथ एल है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में, वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? वो आएगा रो मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर एल। ये है हमारा क्यू इनक्लोज्ड। इसकी वैल्यू को लास्ट में लिख देंगे, अभी फिलहाल इसको क्यू इनक्लोज्ड ही लिख देते हैं डिवाइडेड बाई, तो बार बार इस वैल्यू को लिखना पड़ेगा, ये आप
ध्यान देना, इसी वैल्यू को हमें क्यू इनक्लोज की जगह पुट करना है। मिटा दे इसको। अब क्या करते हैं, फिर से आप बताइए, ये फाइव वन की वैल्यू जीरो होगी और फाइव थ्री की वैल्यू जीरो होगी, क्यों? क्योंकि इन दोनों ही सर्फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और फ्लक्स कैलकुलेशन में अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। सिर्फ क्या बचेगा, फाइव टू। फाइव टू क्या है, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स है, इसको लिखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको क्या करते हैं, वही सिमिलर स्टेप्स, ई डी ए हर जगह आप देख लो एंगल कितना बन रहा है, जीरो डिग्री बताना होगा, दिख ही रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया हर जगह जीरो डिग्री, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, तो याद हो गया होगा, रटा गया होगा आपको, कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू वन, ई ड्यू टू सिमेट्री कॉन्स्टेंट होगा हर जगह, बाहर निकालेंगे ई बाहर आ गया। सोचो जरा अगर ये ई कॉन्स्टेंट न हो तो क्या गॉसस लॉ का यूज करते हुए लास्ट तक हम पहुंच पाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब गॉसस लॉ का यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिर्फ उन्हीं केसेस में निकाल सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, कॉन्स्टेंट हो। ये भी अभी आपको लास्ट में लिखवाएंगे, बताएंगे गॉसस लॉ कहां लग सकता है कहां नहीं लग सकता। तो ये बचेगा सिर्फ डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, और अब वक्त आ गया है सरफेस इंटीग्रेशन डी ए और क्यू इनक्लोज की वैल्यू को लिखने का। तो सरफेस इंटीग्रेशन डीए अगर हम करेंगे टोटल तो कितना मिलेगा, इस सरफेस का हमें पूरा एरिया चाहिए, ये एरिया होगा लेंथ एल इंटू विड्थ टू पाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज, अभी हम लोगों ने निकाला था वो था रो इंटू एल इंटू पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई था एप्सिलॉन नॉट। इसमें देखिए कुछ कैंसिल होगा, एल से एल कैंसिल होगा जो कि होना ही था, फिर पाई से पाई भी कैंसिल होगा, एक आर से आर भी कैंसिल होगा, फाइनली ई की वैल्यू या ई इनसाइड की वैल्यू आएगी, ये होगा रो आर डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में रिलेशन देखें तो यहां से हमें दिख रहा है ई प्रोपोर्शनल टू आर, यानी जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे ये हमारा सिलेंडर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, इनफाइनाइट लेंथ का है, अगर यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स में से आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी, तो एक्सिस से जितनी दूर आप जाओगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, पॉइंट आपका अंदर रहना चाहिए क्योंकि ये जो लॉ है वो भीतर इनसाइड के लिए है। तो ये क्लियर हो रहा है, तो ये आप लिख लेना नोट नंबर वन में कि ई प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। नोट नंबर टू में आप ये लिख सकते हो कि इफ आर इज इक्वल टू जीरो हो, यानी इसकी एक्सिस पर अगर हम देखें तो आर की वैल्यू जीरो रखते ही ई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, यानी एक्सिस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद अगर इसमें ग्राफ बनाए तो ग्राफ हम जब बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो इकट्ठे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिलहाल इनसाइड वाला केस क्लियर है आपको या नहीं, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ये, वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसी का आखिरी केस देखते हैं जिसमें हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में फिर से फिगर बनाना होगा, तो मैं भी फिर से बना रहा हूं, आप भी अपने कॉपी में कोशिश करना कि एक फिगर आप दोबारा से बनाओ। फिर से लेते हैं अपना सिलेंडर, इस तरह से हमारा सिलेंडर है, अब की बार सिलेंडर को थोड़ा पतला ही बनाना। ये है इसकी एक्सेस, इनफाइनाइट लेंथ का है, नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, इसलिए भीतर भी हर जगह इस तरह से इस पे चार्ज होगा, और इसकी रेडियस कितनी है आर। अब की बार हमें इसके एक्सिस से जाना है स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या रहने वाली है, आर से बड़ी रहने वाली है, तभी तो आप इससे बाहर जाओगे। और इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसस लॉ। क्या करेंगे, इस पॉइंट से होकर गुजरता हुआ फिर से एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अभी हम लोगों ने बनाई थी इस तरीके से होती हैं, एकदम एक्सिस से निकलेंगी और अब ये दूर जाती हुई डायरेक्शन में होंगी, एरिया वेक्टर्स का यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, और यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ एरिया वेक्टर ऐसे होगा, उसी तरह से यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे, कोई डाउट नहीं है इसमें, सिमिलर तरह की चीजें हो रही है मेरे ख्याल से, इसको तो आप भी सॉल्व कर सकते हो। फिर क्या करते हैं, सीधे गॉसस लॉ लगा देते हैं, फाइ इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस वाले सरफेस से अगर फ्लक्स फाइ वन है, इससे फ्लक्स अगर फाइ टू है, इससे फाइ थ्री है, सो फाइ कैन बी रिटन एज फाइ वन प्लस फाइ टू प्लस फाइ थ्री
इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसकी भी वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्यों, समझ गए? बचेगा क्या फाई टू, वो है इस वाले कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स, उसको लिखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर कहानी आपको पता ही है, ई डी ए हर जगह आप देख लो एंगल कितना बनेगा, जीरो डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू वन, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई ड्यू टू सिमेट्री कॉन्स्टेंट है, आ जाएगा कहाँ जाएगा, बाहर। और क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ सरफेस इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें दो चीजें आपको समझनी है, सरफेस इंटीग्रेशन डी ए डी ए डी ए डी ए सब जब आप ऐड करोगे तो इसका हमें मिलेगा एरिया। फिर से यहाँ एल छूट गया, ये एल भी आप बना लेना। इसका जो एरिया होगा वो कितना आएगा, लेंथ एल इंटू विड्थ चौड़ाई। इस सरफेस को जब आप ऐसे खोलोगे तो इसकी जो लेंथ है वो हमें मिलेगा 2 पाई, कैपिटल आर की स्मॉल आर, स्मॉल आर, क्योंकि हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसके रेडियस से इसको हम ऐसे ओपन कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा वाला सिलेंडर ये जब खुलेगा तो उसके सर्कमफ्रेंस के लेंथ के इक्वल हमें विड्थ मिलेगी, वो होगा 2 पाई आर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। समझते हैं, आप बताओ वीडियो को पॉज करके रफ में कहीं लिखो क्यू इनक्लोज कितना बनेगा। इस ऊपर वाले चार से और इस नीचे वाले चार से हमसे मतलब नहीं है, मतलब नहीं तो हटा ही देते हैं। देखिए ये इतने चार से और ये इतने चार्ज से हमसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये इतना चार्ज पकड़ना है कि ये कितना है। तो यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो कितना है, रो। इसलिए इसका जो वॉल्यूम है अगर वो हम निकाल लें तो उसमें चार्ज भी तुरंत निकल आएगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस, इसका बेस का एरिया होगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू हाइट यानी कि एल। तो इसमें जो हमें चार्ज मिलेगा वो होगा रो मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर एल, यही बनेगा हमारा क्यू इनक्लोज्ड। तो ये हो गया रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं क्या निपटेगा, क्या बचेगा, क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। पाई से पाई कैंसिल और एल से एल कैंसिल, और तो नहीं लग रहा है कि कुछ कैंसिल हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बेसिकली क्या है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ये है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इससे अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर में रिलेशन, रो कॉन्स्टेंट, कैपिटल आर कॉन्स्टेंट, टू एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट, तो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो होगा ई प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर का। जैसे जैसे आप इस सिलेंडर से आगे जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, घटेगी। अब इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने से पहले सरफेस पे भी निकाल लें। सरफेस पे निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, और ई ऑन द सरफेस के लिए आपको क्या करना है, जस्ट इसमें या पिछले वाले केस में आप पुट कर दो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये आ जाएगा रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह जब आप कैपिटल आर पुट करोगे तो ये आ जाएगा रो आर डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, रो आर डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें हम ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने में हमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सभी को शो करना होगा। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये है आर, ये है ई। यहां इस तरह से चाहो तो आप बना सकते हो कि ऐसे हमारा इस तरीके से इनफाइनाइट लेंथ का अगर सिलेंडर है नॉन कंडक्टिंग, तो उसकी वजह से हम ग्राफ अगर प्लॉट करें, ये क्या था, ये था हमारा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसके भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसमें हमें ई प्रोपोर्शनल टू आर का रिलेशन मिला था। अगर इसको मोटे मोटे तौर पर देखें तो ई इज इक्वल टू के आर लिखा हुआ है, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट। ई वाई एक्सेस पे है, के की कंपेरिजन आप एम से कर सकते हैं, आर एक्स एक्सेस पे है, इसकी जगह अगर एक्स लिखा जाए तो वाई इक्वल टू एम एक्स जैसा इक्वेशन पकड़ रहा है। वाई इक्वल टू एम एक्स रिप्रेजेंट वॉट, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि ये ई प्रोपोर्शनल टू आर को फॉलो कर रहा है। जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचोगे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट होगी, रो की वैल्यू जो भी गिवन होगी,
आर टू एप्सिलॉन मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अनुसार ई ऑन द सर्फेस हमें मिलेगा। यहाँ पे आप चाहे तो लिख भी सकते हो ई ऑन द सर्फेस कितना है, रो आर डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन। उसके आगे ये वाला रूल लागू होगा, ई आउटसाइड क्या हमें मिल रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर, यानी जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार क्या होगी, घटती चली जाएगी। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है, भीतर ऑन द सर्फेस और आउटसाइड, यहां भी आप चाहो तो लिख लेना ई प्रोपोर्शनल टू है क्या, वन बाई आर। तो ये केस भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अब एक दो छोटी छोटी चीजें आपको और बताते हैं, जैसे कि इस केस में हमें कौन सा गॉसियन सर्फेस लेना चाहिए उसको भी आप देख लो। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश के कारण या फिर चार्ज्ड स्फीयर की वजह से, नो मैटर स्फीयर कैसा है, अगर हमारा कैलकुलेशन इस सोर्स की वजह से हो रहा है तो हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे, इधर जो भी हम लिख रहे हैं वो गॉसियन सरफेस है, वो कैसा होगा, वो स्फेरिकल होगा यानी कि गोलीय होगा। हम गॉसियन सरफेस भी कैसा लेंगे, स्फेरिकल। फिर अगर वायर है चार्ज्ड वायर या फिर चार्ज सिलेंडर है या फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, मतलब आवेश का बना हुआ एक चादर है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इस केस में जो आप गॉसियन सरफेस लोगे वो सिलिंड्रिकल होगा, वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। उसके बाद यही केस देखिए आपको मिलेंगे, या तो हम गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लेंगे या फिर हम सिलिंड्रिकल लेंगे। इस केस में जो लास्ट वाला केस मैंने आपको बताया है यानी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ऐसा अगर हमारे पास में केस है, इसको अगली वीडियो में देखेंगे, इस केस में जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो आप सिलिंड्रिकल भी ले सकते हो या फिर आप क्यूबॉइड भी ले सकते हो, क्यूबॉइड मतलब इस टाइप का, ऐसा ऐसा सरफेस भी आप ले सकते हो, उसमें भी आपका काम चल जाएगा। जब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो वहां दिखाऊंगा कि आप चाहे ऐसा सरफेस लो चाहे आप सिलिंड्रिकल सरफेस लो, दोनों केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये लोचा लफड़ा खत्म हो गया कि इस केस में हमें कैसा गॉसियन सरफेस लेना चाहिए, पॉइंट चार्ज होगा, चार्ज स्फीयर होगा, जो गॉसियन सरफेस हमारा होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल, और अगर वायर है जो कि आज हम लोगों ने केस देखा, सिलेंडर ये भी आज हम लोगों ने देखा, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, इस केस में कैसा हमें गॉसियन सरफेस लेना होता है, सिलिंड्रिकल। इस केस में आप अपना गॉसियन सरफेस क्यूबॉइड शेप का भी ले सकते हो, उससे भी आपका जो क्वेश्चन है या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा। अब आखिरी बात, चलते चलते एक गॉसस लॉ के बारे में और आपको बताते हैं, ये भी बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा ये गॉसस लॉ है ये आप अप्लाई हर जगह कर सकते हो, चाहे गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, बड़ा हो छोटा हो, उसके भीतर चार्ज की पोजीशन भी कहीं भी हो, किसी भी तरीके से रखी हो, गॉसस लॉ आप अप्लाई हर जगह कर सकते हो। सो इट इज एप्लीकेबल इन एवरी केस, एवरी सिचुएशन, एवरी सरफेस, हर केस में आप गॉसियन सरफेस लगा सकते हो, बस बशर्ते शर्त क्या है कि जो सरफेस आप ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, याद है ना, अगर क्लोज्ड सरफेस नहीं होगा तो गॉस जी नाराज हो जाएंगे। बट आज के भी डिस्कशन से मैंने आपको बताया जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैलकुलेट नहीं कर पाओगे गॉसस लॉ से, जैसे अगर सिंपली इतना बड़ा आपको चार्ज वायर दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहां पे तो आपने यहां से होकर गुजरता हुआ एक ऐसे गॉसियन सरफेस लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से एकदम सीधे नहीं बनेंगी, कुछ इस तरीके से बनेंगी, इसको भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले वीडियो में बताया था। अब जैसे ही आप गॉसस लॉ लगाओगे, गॉसस लॉ तो लग जाएगा कि भाई टोटल फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड भी आप कैलकुलेट कर लोगे, बट फाई को जब आप सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए लिखोगे बस वहीं पे आपकी कहानी हो जाएगी खत्म, आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ई डी ए कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में अलग अलग एंगल बनेगा, एक तो वो कैलकुलेट नहीं होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग जगह अलग अलग होगी, तो वो भी बाहर नहीं आ पाएगा। यानी हम गॉसस लॉ का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन सिर्फ उन्हीं केसेस में कर सकते हैं जिन केसेस में
हमें सिमेट्री मिलती हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिलता हो और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में हर जगह 0 डिग्री का या फिर 90 डिग्री का एंगल बने, इट मींस गॉसस लॉ एप्लीकेबल तो हर जगह है, बट हर जगह हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, हमेशा ये यूजफुल नहीं होगा। तो इट इज एप्लीकेबल इन एवरी केस बट वी कैन नॉट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एवरी केस, या इनफैक्ट किस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ सिमेट्रिक केसेस में। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया, इससे ये क्लियर हो गया, इससे एक चीज और समझ लो, जिस भी केस में लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल पाओगे उसमें गॉसस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगी वो फास्टेस्ट प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा? फास्टेस्ट प्रोसेस होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों चीजों को ध्यान से देख लेना, गॉसस लॉ से क्या रिलेटेड है ये सारे पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हम हर केस में नहीं निकाल सकते, लेकिन जिस केस में भी निकाल पाएंगे, जैसे अभी तक हम लोग निकालते आ रहे हैं, उसमें जब आप गॉसस लॉ का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो सबसे तेजी से तीव्रतम विधि से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। अगर हम इंटीग्रेशन वगैरह का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी, मैथमेटिकल स्टेप्स बढ़ेंगे, मुश्किल होगी। गॉसस लॉ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड केसेस में बहुत ही कम स्टेप्स में बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती है। ये गॉसस लॉ की ताकत है। तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे और वो जो इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज वाला केस था उस केस को देखेंगे। तब तक पढ़ते रहना।